वहीं छत्तीसगढ़ के पखाचों से खबर है, जहां भावी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि 35 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ये मामला छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वहीं आकमेटा नाले के ऊपर 12 से 15 फीट पानी बहने से मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों के द्वारा कई वर्षों से पुलिया की मांग भी कर रहे थे, परंतु ग्रामीणों को कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पंखाजों से भोलेश मिश्रा। मेरा नाम सरजीत कीर्तनिया। ये जो पानी भराव की स्थिति है, इससे कितना परेशानी होता है? बहुत सारे परेशानी है, क्योंकि जो नदी का उस पर 30-35 गांव है, वो गांव का जो बच्चे लोग स्कूल पढ़ते आ नहीं पाते, जिसको बीमारी पड़ जाते हैं वो भी डॉक्टर दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं, वो डॉक्टर दिखा नहीं पाते। कि यह 40 साल से मांग होते रहा है, आज तक ये पुलिया की कोई सुव्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग 96 में गए थे, उस पर जाने की कोई सुव्यवस्था नहीं है। अभी घर फिर लौटना पड़ेगा, फिर